अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले सावधान मत करो यह गलती। क्या था दोस्तों कि फेसबुक पर चैट खारे, तीन शिक्षक निलंबित। तो दोस्तों, आप लोग भी 69,000 भर्ती में काफी आजकल एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर आप लोग भी मैसेजेस कर रहे हैं, उल्टा सीधा पोस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी सावधान रहिए। देखिए, पढ़ लेते हैं खबर। ये रायबरेली गुरु गरिमा से खिलवाड़ करते हुए उन फेसबुक या शिक्षकों पर गाज गिरी है जो अपने दायित्व से हटकर सोशल साइट पर राजनीतिक चटखरे ले रहे थे। इनकी शिक्षकों की शिकायत विभागीय अफसर के लोगों ने की, फिर बात जिलाधिकारी तक पहुंची, डीएम मतलब दोस्तों, उन्होंने बीएसए को कार्रवाई करने के आदेश दिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय रोहनिया सहायक अध्यापक रविंद्र, जो भी नाम रहा दोस्तों, ठीक है, पूरे गोपाल राजेश शुक्ला सोशल मीडिया खासकर फेसबुक पर खासे सक्रिय मिले। राजनीतिक टिप्पणियां करने के चलते इन्हें चिन्हित किया गया और फिर डीएम ने बीएसए से निलंबित करा दिया। निर्वाचन आयोग ने पहले ही सरकारी कर्मियों को आगाह कर दिया था। दोस्तों, इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, जो आपका निर्वाचन आयोग ने पहले ही सरकारी कर्मियों को आगाह कर दिया था कि राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें। तो आप लोग भी दोस्तों, आचार संहिता चालू हो चुकी है, हमने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि आप लोग भी सावधान रहिए, आप लोग भी किसी को भी कुछ भी ईमेल ईमेल मत करिए। काफ़ी बच्चे हमें मैसेजेस कर रहे थे, सर हमने एक ईमेल आईडी प्राप्त हुई, कैसे ईमेल कर सकते हैं। तो आप लोग भी देखिए, सावधान रहिए, सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट करने से कोई सस्पेंड हो सकता है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी बात है। देखिए, आप लोग सरकारी टीचर बनने वाले, ठीक है, अगर आप एक प्राइवेट टीचर बनते तो आप लोग फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, व्हाट्सएप पर भी, कहीं भी पोस्ट कर सकते थे, लेकिन आप एक गवर्नमेंट टीचर है और गवर्नमेंट की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। या तो नौकरी छोड़ दीजिए या तो पोस्ट करिए, वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो फिलहाल वो तीन टीचर सस्पेंड हुए हैं आपके सामने। तो जैसा कि हमने वीडियो में आपको पहले बताया था कि आप लोग को थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अभी किसी भी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी मत करिए। अगर आपको नौकरी सच में चाहिए, आपके 60-65 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। लेकिन आप लोग जो कमेंट्स बॉक्स में इधर उधर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी लोग इतने एक्टिव हैं दोस्तों, देखिए हमारे पास भी हर जगह अकाउंट्स हैं। अगर आप भी अपने अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं, ऑफिशियल अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं जो कि आपके नेम से मैच करता है, ठीक है, आजकल के लड़के भी बहुत होशियार होते हैं, हर एक लड़के के पास 4 ईमेल आईडीज होती हैं, किसी की ईमेल आईडी एंजल प्रिया के नाम से होती है, तो किसी के नाम जो भी होता है सोनम बेव का, जो भी नाम होता है दोस्तों होता है, तो चलिए उनसे करते हैं तो आप सेफ हैं। लेकिन हाँ, अगर अपने ओरिजिनल आईडी से कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, आप लोग पर भी गाज गिर सकती है। देखिए, अभी 2-4 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग, कुछ लड़के रहे होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो सीएम योगी जी के रैली में नारेबाजी कर रहे थे, वो भी चिन्हित किए गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, नौकरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, जल्दी मिलेगी। अगर आपके नंबर कम है तो चलिए ठीक है, आप लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, सही है। अगर आपके नंबर 200-110 आ रहे हैं, 90 से ऊपर आ रहे हैं, तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, अगर आपके 90 से लेके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और जिन बच्चों के नंबर कम है तो उनकी बात अलग है दोस्तों, ठीक है, उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो आपके पास दोस्तों गंवाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे भी नौकरी नहीं मिल रही, अगर कट ऑफ कम हुई तभी मिलेगी। अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो आप लोग कोई भी गलती मत करिए इस समय। तो हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट थी कि हम आपको एक पोस्ट दिखा सकें कि आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहे। आप लोग जो आजकल सोशल मीडिया साइट पर सभी लोग दोस्तों पोस्ट करते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा संयम धैर्य बनाए रखना चाहिए, बस हम इतना कहना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अपडेट्स के साथ, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। तो ये भी, इन बातों पर भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, फिर मिलेंगे। देखिए एक चीज़ और ये भी पढ़ लेते हैं, क्या कर रहे थे वो, निकाल रहे थे मन की भड़ास। दोस्तों आप लोग भी मन की भड़ास मत निकालिएगा, ठीक है ना, और वो भी सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन कोई भी वीडियो वायरल होने में समय नहीं लगता, ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और सभी को शुभ रात्रि, हैव अ नाइस।